नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आप देख रहे हैं जन की बात। जन की बात में आज होगी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली सरकार पिछले कई दिनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई ना कोई वजह केंद्र सरकार को बुरा भला कहने की ढूंढ ही रही है कि केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, केंद्र सरकार हमें ये नहीं दे रही है। लेकिन इस बीच एक खबर ये आई है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऐसा खुद दिल्ली सरकार ने कहा है। उस दिल्ली सरकार ने जो कल से पहले ही कह रही थी कि दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की बेहद कमी है और केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, दिल्ली में बेड्स नहीं है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल खुद आते हैं, लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली में करीब 3000 बेड्स खाली पड़े हुए हैं। तो आप सोचिए कि आखिर किस बात की राजनीति हो रही है, कहां की राजनीति हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों दिल्ली के लोगों को गुमराह किया जा रहा है बार बार। मेरे साथ हरीश जी भी मौजूद हैं। हरीश जी, लगातार दिल्ली सरकार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हमने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली सरकार की पहले कभी नहीं देखी जितनी इस महीने में हमने देख ली है। जी बिल्कुल, और हमने पीछे भी कहा था इनका कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बम जो है ना वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये रोज नया झूठ बोलते हैं। अब अचानक से ये बोलने लगे हैं कल से कि हमारे पास 3000 बेड खाली हैं, तो 3000 बेड कहाँ से आए पहले? अब ये बोलते हैं कि आईसीयू भी खाली है हमारे पास, वो कहाँ से आए? ऑक्सीजन की कमी अचानक से इनकी पूरी हो जाती है, वो कैसे पूरी हुई? जैसे ही इनके ऊपर ऑडिट का डंडा गया, ये लोग अपने बैकफुट पर आ गए। इन्होंने अपने आप को ठीक करना शुरू किया कि भैया आज बेड की काउंटिंग ना हो जाए, ऑक्सीजन तो हो ही रही है, जब अस्पताल में ऑडिट टीम आएगी तो ऑक्सीजन के साथ साथ बेड ना काउंट कर ले। तो आज इन्होंने बोल दिया कि आज हमारे पास 3000 बेड भी खाली है, ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में, अब कोई दूसरे स्टेट को चाहिए तो ले जाए हमसे। तो आज ये अपने, क्योंकि हमने हर बारी कहा है ना कि इनके जो बम है ये गलत है, ये झूठ बोलते हैं, रोज शाम को रात को सोचते हैं कि सुबह आके हमें क्या नया झूठ बोलना है, लोगों को गुमराह करते हैं। इस तरह से आज इनका भंडाफोड़ हुआ है, एक तरह से जिन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि इससे ज्यादा और हालत हमारी खराब हो, इससे हम बोल दें कि आज 3000 बेड है, ऑक्सीजन है, सब इनके पास पर्याप्त मात्रा में है। तो ऐसे में केजरीवाल साहब से फिर से बोलेंगे, केजरीवाल साहब शायद आपने अपनी बातें खुद ध्यान से सुन ली हो, इसीलिए शायद आपने कहा हो कि आज सुबह नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं बोल देता हूँ, मेरे पास जगह बहुत है, मेरे पास ऑक्सीजन भी बहुत है। यह बात आप पहले भी बोल सकते थे, आप ये बात समझा के भी बोल सकते थे कि भाई कमी है, मैं उसे धीरे धीरे दूर कर रहा हूँ। पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कभी केंद्र का उनको निशाने पर साधते हैं, आपकी तो कोई जिम्मेदारी कभी रही नहीं है। जैसे आपका तो काम सिर्फ पोस्टमैन वाला रहा है कि उधर की चिट्ठी जनता के पास, जनता की चिट्ठी उधर वहां पहुंचा दो, यहाँ की जनता की चिट्ठी वैसे नहीं पहुंचाई, आपने चिट्ठियां सिर्फ अपनी ही पहुंचाई है। आप बोलते हैं कि आपको फोन आते हैं, बट बहुत सारे फोन आते हैं, साहब हमें भी बता दीजिए वो नंबर, कौन से नंबर पे आपको ऐसे फोन आते हैं, कौन सी जनता आपको डायरेक्टली फोन कर पाती है? आपके डिप्टी सीएम भी बोलते हैं बड़े फोन आ रहे हैं उनके पास, हमें भी बता दीजिए, हम भी आपको फोन करा करेंगे। तो ऐसा नंबर आप लोगों को भ्रमित करने के लिए क्यों ऐसी बातें करते हैं कि आपको फोन आ रहे हैं, आपको ऐसा हो रहा है, अचानक से रात रात में आप सब ठीक हो गया आपका? तो काजोल, ऐसी जो सियासत है ना, ये कहीं ना कहीं पे सोचने में मजबूर करती है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अब जनता इस बारी जरूर सोचेगी कि कौन हमारे साथ था और कौन नहीं था। बाद में इसकी नहीं कर रहा हूं कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, ये बीजेपी ने बहुत ही एक्सीलेंट रहे हैं वो लोग, हम उनकी तरफ नहीं है, हमारा ना ये मोटिव है कि किसी के पक्ष में हम बात करें। हम ये बात कर रहे हैं जो सत्ता में है, जिससे हमारे आज की डेट में अगर सत्ता में हुआ है तो हमें उन्हीं से हमें अपना काम निकालना है। तो काम निकालने के लिए उनकी मदद करनी जरूरी है। जब उनकी मदद होगी और उनसे तभी हम साथ बैठ के बात करें। आज हम उनके पर बोलते रहे कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, तो फिर किससे मदद ले बताएं? आप तो बोल रहे वो कुछ नहीं कर रहे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह की बयानबाजी जो करते हैं वो दयनीय है इनके लिए। लेकिन ये खेल खेला क्यों गया? आपके प्रदेश की जनता जो है, देश की जनता तो मर ही रही है, आपके प्रदेश की जनता भी मर रही थी और अस्पतालों में जगह नहीं थी। फिर आपने ये कह दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे में लोग और ज़्यादा पैनिक हो गए, लोग और ज़्यादा डर गए। सिर्फ डर का माहौल बनाना था या स्टोरेज रखना था आपको, या आपने पहले ही सोच लिया था कि दिल्ली में और ज़्यादा मामले बढ़ जाएंगे? वो जो डर का माहौल जो था, वो डर का माहौल इसलिए बनाया गया कि इनको आगे 2022 के इलेक्शन दिखने लगे हैं, इनको बीजेपी को, ये इनको बीजेपी के अगेंस्ट में यूपी दिखने लगा है, इनको उत्तराखंड दिखने लगा है। तो ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये सोच रहे हैं कि हमें शायद ये सब माहौल बनाने से हम जनता के बीच में चले जाएंगे और हम लोगों के मतलब मसीहा टाइप बन जाएंगे कि भैया देखो हम तो आपकी बात उठाते हैं,
पर वहां केंद्र में आपको सरकार बदलनी पड़ेगी। तो 2024 में देखो आप हमें वहां पर भी बैठाएं ताकि हम सारा सिस्टम बिल्कुल टेक कर दें। तो ये इनकी जो है भ्रम फैलाने का नया तरीका था। लेकिन 2 करोड़ की जनता तो इनसे नहीं संभल रही है। 2 करोड़ की जनता में लोग ट्वीट करके लगातार केजरीवाल सरकार को कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें भटकाने की कोशिश हो रही है, हमें कुछ सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा आज नया उन्होंने भी एक बयान दिया है कि हमने इतने अच्छे तरीके से लॉकडाउन लगाया कि दिल्ली के मामले कम हो गए। क्या वाकई मामले कम हुए, सिर्फ आंकड़ों में कम दिखाए जा रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आप कल खोल के देख लीजिए, आप लॉकडाउन आपने बहुत अच्छे से लगाया, आप कल लॉकडाउन खोल के देख लीजिए, आपको मामले अगर खत्म है तो जड़ से खत्म करने पड़ेंगे। इस तरह से नहीं कि आपने लॉकडाउन लगाया तो मामले खत्म, अरे लोगों का रोजगार भी तो चला गया, उसका क्या होगा? आप वो भी तो सोचिए कि आपने बीमारी कम करने के लिए लॉकडाउन लगाया, आंकड़े आपने कम कर दिए, टेस्टिंग आपने कम कर दी, तो ये आंकड़े अपना भी कम दिखाई देंगे। एक बार टेस्टिंग खोलिए पूरी। सच्चाई यही है कि टेस्टिंग पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है दिल्ली में, इसी वजह से आंकड़े कम आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं हरीश जी, ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं, कुछ जो प्राइवेट लैब्स हैं वो मनमानी कर रही हैं, मनमाने रेट ले रही हैं। आप उनकी तरफ आपका क्या रवैया है बताइए? कोई नहीं, कोई आपकी तरफ से उस तरफ कोई है ही नहीं। आपको तो सिर्फ केंद्र दिखता है, बस केंद्र की तरफ डंडा लेके घूमते रहो, बस हमें तो केंद्र को टारगेट करना है, बाकी कुछ नहीं। अरे इनको भी अंकुश लगाए, आपने एम्बुलेंस पे लगाया, इन लैब पे क्यों नहीं लगाया आपने बताइए? लैब पे नहीं लगना चाहिए था, इनको मिनिमम रेट नहीं देने चाहिए थे? अगर हैं तो हम बताते हैं आपको नाम इनके, पर आप नाम सुनना जरूरी समझते ही नहीं है, क्योंकि कई जगह तो आपके राजनेताओं की पार्टनरशिप होती है। और ये वैक्सीन का फॉर्मूला सार्वजनिक करने की बात करते हैं, लेकिन उन लैब पर इनका हंटर नहीं चल सकता है। आखिर क्या वजह है? क्या इनके रिश्तेदार हैं जो लैब चला रहे हैं, या फिर उनसे मोटी कमाई हो रही है इनकी, दिल्ली सरकार की? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हरीश जी, जो जनता के मन में हैं और जनता पूछ रही है, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है। दोबारा से अरविंद केजरीवाल को सत्ता में बिठाया गया दिल्ली की जनता की तरफ से, ताकि दिल्ली की जनता को और ज़्यादा सहायता और ज़्यादा विकास मिल सके, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ धोखा मिल रहा है। आज ये बात साबित होती है जब कोरोना काल में लोगों ने देखा कि लोगों के अपने मर रहे हैं, अपनों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, रोजगार पूरी तरह से खत्म हो गया है, मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो लोग छोटे छोटे शहरों से महानगरों का रुख करते हैं वो लोग वापस ऐसे ही जा रहे हैं बिना किसी, उनके पास कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है, जाने के लिए किराया नहीं है, टिकट नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। बिल्कुल, बहुत समस्याएं हैं लोगों की। आज पलायन होने लगा है वापस, मतलब वो भी बेचारे ना वहां जा रहे हैं, गाँव में जो लोग यहाँ के मजदूर लोग हैं, आज आप देख रहे हो शहरों से अगर आप बात करें, शहरों के आंकड़े कम हो रहे हैं, गाँव के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग गांव में जाके, वहां पर तो सुविधा ही नहीं है, वहां पर कोई सुविधा नहीं है अस्पताल की, उन लोगों को बेचारों को पैसे भी नहीं है। तो जो मौतें हो रही हैं वो इस कारण से हो रही हैं कि क्या जो यहाँ से शहरों से गांव की तरफ है, अब जो लाशें बह के आ रही है ना, ये उन्हीं सब लोगों की है। लेकिन क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अगर कोई छोटे कस्बों से आ रहा है आपके महानगर में, वो आपके लिए काम कर रहा है, आपकी जो शहर में कंपनी है उसके लिए काम कर रहा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उसके लिए काम कर रहा है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उनको देखें, उनकी देखरेख करें, उनका टेस्ट कराएं? चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, उनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, आके टीवी पे बोल देते हैं कि साहब इनका ध्यान रखना, इनको तनख्वाहें दे देना। सभी फैक्ट्री वालों से पिछले साल भी अपील की गई थी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील करी थी कि आप इनकी तनख्वाहें मत काटना, इनको तनख्वाहें पूरी देना, इनको ध्यान रखना। तो सभी फैक्ट्री वालों ने पैसे दे दिए, सबको दिए, ऐसा कोई होगा कि जिसने काटे होंगे पैसे, बट सबने दिए। पर कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागती हुई नजर आई। सरकार ने उन फैक्ट्री वालों को सपोर्ट नहीं किया कि वो किस तरह से उन तनख्वाहों को देंगे, तनख्वाहें देने का माध्यम तो बताया नहीं, ये बोल दिया कि दे देना, ये नहीं बताया कि कहां से आएगा। बैंकों के ब्याज कम नहीं करे, ब्याज पे ब्याज लगा दिए गए। आपने सिर्फ एनपीए को दूर करने का कहा कि जो 3 महीने भाई जो एनपीए की कगार पे, उनको 6 महीने का टाइम और दे दिया जाए। बिल्कुल 6 महीने का आपने उनको टाइम दे दिया, पर आपने अपना ब्याज कम नहीं किया। आपने तनख्वाहें जो उन्होंने बिना काम करे दी है, तो उनको कहीं सपोर्ट किया? नहीं किया। ये दोनों सरकारों पे क्वेश्चन मार्क है, ये सिर्फ बातें बोल के निकल जाते हैं। आपने अगर सपोर्ट किया होता तो आज ये दोबारा दूसरी लहर में वो फैक्ट्री वाले आज उनकी मदद दोबारा उसी तरह से करते हैं जैसे आपकी बातों में आके उन्होंने पहले किया था। बिल्कुल, आज कोई भी तनख्वाह देने को राजी नहीं है कोई फैक्ट्री वाला, आप बिना काम के तनख्वाह देने को राजी नहीं है, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से नहीं मिला था। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर भारत की बात केंद्र सरकार लगातार करती है, तो आत्मनिर्भर भारत जब होगा, जब आप
लोगों का साथ देंगे। देखिए आप शहरों से गांव में तो लोगों को ले आए हैं या गांव से शहरों में तो ले आए हैं, लेकिन आप उनका ध्यान रखेंगे, उन्हें वाकई समझेंगे कि ये भी इंसान है तो वो आपके लिए काम करेंगे, सरकार के लिए काम करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन जब आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप आत्मनिर्भर वो कैसे बनते हैं। रही बात राजनीति की, तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं, ये तो साफ जग जाहिर हो चुका है कि वो ऐसा कर रहे हैं। आप लोगों से यही अपील है कि ऐसा मत करिए, अभी तो ये दूसरी लहर है, तीसरी लहर आना बाकी है, तीसरी लहर को लेकर लगातार काम हो रहा है, हो सके तो तीसरी लहर में पूरी सुविधाएं, जो पूरा सिस्टम है उसको तैयार कर लिया जाए, क्योंकि अगली लहर जो है वो बच्चों पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगी। और बच्चों के लिए किसी तरह की कोई वैक्सीन अभी नहीं आई है, सिर्फ ट्रायल चल रहा है, पता नहीं वैक्सीन कब पूरी तरह से फिट हो पाएगी और वैक्सीन कब मिल पाएगी बच्चों को, क्योंकि अभी तो 18 से 44 साल के लोग हैं, उन्हें वैक्सीनेशन उनकी ठीक से नहीं हो पा रही है। अरविंद केजरीवाल ने खुद कह दिया है कि कोविशील्ड जो है उनके लिए खुली हुई है, लेकिन कोवैक्सीन जो है पूरी तरह से बंद हो गई है। काजल, ऐसा है ना कि इनको तीसरी लहर की तैयारी अगर अब करनी है, जो हम बार बार ही हम अपने सारे प्रोग्राम से बोलते हैं, इस टाइम आप सरकार का साथ दें, एकजुट होकर काम करें, यही एक तरीका है कि एकजुट होकर। उसमें भी अगर ये राजनीति करते रहे, बच्चों की मौत कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखें, आप कोई भी सरकार हो, आप ये ध्यान रखें, कोई भी अपने बच्चे की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और आपको सत्ता का लालच जो है ना फिर अच्छे से उतार के फेंका जाएगा। तो आप प्लीज उस पर काम करें, एकजुट होके काम करें, अपनी राजनीति की बयानबाजी बंद करें जो आप रोज कर रहे हैं, रोज लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आपके इस कंफ्यूजन में आप लोग नहीं आने वाले, आप इस पे काम करें और बच्चों की जिंदगी आगे जो आगे आने वाला है, अभी तो बड़ों ने तो झेल लिया, कैसे भी झेला होगा, बच्चे नहीं झेल पाएंगे और ना बच्चों की मौत उनके माँ बाप झेल पाएंगे। जी काजल, और बिल्कुल लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप लोगों से यही अपील करता है कि दूसरी लहर चल रही है, तीसरी लहर आना बाकी है, दूसरी लहर में आप लोग संभालिए खुद को और दूसरों को भी संभालिए, तीसरी लहर के लिए तैयार रहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डरिए, लेकिन तैयार रहिए कि कैसे अपने आपको संभालना है, अपने बच्चों को कैसे संभालना है, बच्चों का इम्यूनिटी अभी से ही ठीक करने की कोशिश कीजिए, यही आप लोगों से अपील है। बाकी हाथ धोते रहिए, मुंह पर मास्क लगाइए, वैक्सीन जरूर लगवाइए, जहां प्रोवाइड हो रही है वहां जरूर लगवाइए, वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी डर है, जो भी अफवाह है, उस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, अपने टर्न पे ही घर से निकले, आपका टर्न आए उसी पे आप वैक्सीन लगाने निकले, ऐसे भीड़ ना करें, उससे और संक्रमण के फैलने की आशंका रहती है। आप तभी अपने घर से निकले जब आपका टर्न है, और उससे पहले कोई ऐसा भ्रम ना फैलाएं कि वहाँ वैक्सीन नहीं है, यहाँ वैक्सीन नहीं है, तो आप अपने टर्न पे निकले, सबकी बारी आएगी, धीरे धीरे सबके वैक्सीनेशन होगा। बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे जन की बात में किसी खास मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।